एफसीबी सभी पधारे हुए मेहमान, हमारे सभी सदस्य, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र। ये हमारा तीसरा, पहले हमने दो अवार्ड जो दिए, दो बार अवार्ड दिए थे, परंतु हमें ऐसा लगा कि कहीं खालीपन है। इसमें सबसे बड़ा रोल तो उन लोगों का है जिन्होंने उन शहरों में, जैसे देवास है, उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर है, ऐसे जितने भी मुख्य शहर हैं हमारे, उन लोगों ने बहुत सक्रियता से इस पे काम किया। सभी को जय जिनेंद्र। हमारे आज के प्रोग्राम के गुरु अवार्ड के मुख्य अतिथि श्री वाई डायनेमिक जोनल चेयरमैन श्री वाई ज्योति झा, एपेक्स के जॉइंट तेजा श्री उपन्या साहब, समाज के व्यक्तियों के लिए प्रविष्टिया श्री हेमंत दोषी, श्री हर्ष नागौरी, श्री उदय दस्तानी ने फार्म भेजने से लेकर कलेक्ट करके जूरी तक पहुंचाने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। इंदौर के बाद उज्जैन, देवास, नीमच और मंदसौर आदि क्षेत्रों से प्रविष्टियों के लिए श्री हेमंत दोषी ने दिन रात मेहनत की है। 50 हफ्ताओं ने इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग, बिजनेस डेवलपमेंट जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। ऐसे में इंदौर के लिए बड़े गौरव की बात है कि KFR किशोर फिल्म इंदौर के गायक श्री विनय बाकीवाला ने लंदन में प्रख्यात उद्योगपति एलन मित्तल, हिंदुजा और वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में जोरदार प्रस्तुति दी। प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा, पर अभी हमारे चेयरमैन साहब अपने माही चौधरी जी उसके बारे में पूरा बताएंगे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ इस मीटर को। और बाकी जीतो ग्लोबल कार्ड इंफॉर्मेशन सेंटर फोकाने जी भी आपको बताएंगे, इंटरनेशनल में हमारे कहाँ का चैप्टर खुल रहे हैं उसके लिए बताएंगे। और मैं आज इस मौके पे आज हमारे जीतो के जो फाउंडर जीतो जो यहाँ इंदौर में चालू करा है उसके सबसे स्ट्रांग अब मैं हमारे बीच में कॉल करना चाहूँगा श्री महावीर सिंह जी चौधरी, और ये आर्यत हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी है। अब मैं बुलाना चाहूँगा महावीर सिंह जी चौधरी को कि हमारे बीच में आए और हमसे कुछ चीज़ शेयर करें। महावीर चौधरी जी, आपको आप अभी जो स्पीच सुनेंगे आपको बड़ा आनंद वो आएगा। हमारे जो कंवर साहब है उनसे भी आप उसी मुकाबले का आपका स्पीच देगा, तो भैया आप सबसे एक इनका ताली बजा के अच्छे से वेलकम कर रहे। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, क्षमा के शिखर पुरुष, हम सब के आराध्य तप संयम अवार्ड सेरेमनी में पधारे जीतो अपेक्स के जॉइंट ट्रेजरर माननीय आर एस प्रोकरणा साहब, यहाँ के गार्जन डायरेक्टर परमार साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक उत्साही डायरेक्टर माने कमलेश जी, और हम सबको छत्र छाया दे रहे हैं यहाँ के चेयरमैन माने जैन साहब, और सबको प्रशासनिक नियंत्रण में पिरोए यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, साथ हमारे बेस्ट जोन के वाइस चेयरमैन गिरीश सोजुतिया साहब, मानभाव। और क्या हमारा समाज का कोई व्यक्ति इस विश्व की पृष्ठभूमि में शिखर तक पहुंचा है? इस तरह के कई प्रश्न पर नाम लेते हैं टाटा ग्रुप का तो सबसे ऊपर है, क्या हम उन तक नहीं पहुंच सकते? अगर जैन समाज का इतिहास देखा जाए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कहीं खुदाई होती है तो जैन प्रतिबिंब या जैन मूर्तियों के वो निकलते हैं। आज देश में कोई अच्छा काम करते हैं तो राष्ट्रीय और राज्य सरकारें जिस पुरस्कार से सम्मानित करती है उसका नाम है भ्रमाशाह, क्या वो जैन समाज 31% बेस्ट वन है। करीब 8 दिन पहले मुंबई में एक मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की,
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इस देश को 7 जोन में बांटा हुआ था और 7 जोनों के जोन चेयरमैन था को बुलाया गया था। जब स्क्रिप्ट पे इवेंट्स के कार्यक्रम आ रहे थे तो वेस्ट जोन का सबसे नीचे नंबर था और मैं भी आराम से बैठा था। जब इवेंट्स का तुलनात्मक सारणी प्रस्तुत की गई थी तो सबसे टॉप पे वेस्ट जोन था या सबसे ज्यादा इवेंट्स हुई। अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं विराम दे देता हूं, लेकिन मैं आपसे रूबरू होना चाहूंगा। जो शांतिलाल जी कवर इस जीतो अपेक्स के प्रेसिडेंट है उसके बारे में सुनो तो 365 डेज आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो आप सोच रहे हो जीतो आपके लिए नहीं कर रहा है। अभी जैसा कमलेश भाई ने बताया गुड टू ग्रेट लंदन में हुआ था, इससे पहले दुबई में हुआ था, उसके बाद यूएस में हुआ था, और लंदन में हिंदुजा से मिलना, मित्तल से मिलना या अनिल अग्रवाल से मिलना मेरे लिए तो संभव नहीं था या कमलेश जी के लिए भी संभव नहीं था। आप दिन भर उनके साथ रह रहे हैं उसका कारण मात्र जीतो का जो मूल उद्देश्य है एजुकेशन सर्विसेज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। मूल बात है कि पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कमाने की और भी जीतो आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। आज मुझे कुछ दिन पहले की बात है, 4-6 महीने पहले की, दुबई में एक मेरा मिलने वाला किसी काम से उलझ गया। उसे सीधा फोन किया मुझे कि दुबई में भाई साहब मैं हूं और इस तरह की तकलीफ आ गई, मैं क्या करूं। तुरंत मेरे सामने नाम था जीतो, मैंने तुरंत बॉम्बे एपेक्स को फोन किया, जीतो दुबई चैप्टर का चेयरमैन कौन है, उनसे उनके इलाज के लिए पीछे। तो जीतो ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट किया और उसमें अब तक 10,175 साधु साधियों को रजिस्टर्ड करके जीतो का एक कार्ड दिया गया था और उसमें आज तक सब जातियां अपने उत्थान के लिए एकत्रित होकर काम कर रही है। तो एक जीतो ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक ऐसा मंच है जहां न दिगंबर है न श्वेतांबर है न तेरा पंथ है न मंदिर मार्की है, ये एक मंच केवल महावीर का मंच है, केवल महावीर का मंच है। अंत में मैं कहना चाहूंगा अकेले हम बूंद है मिल जाएं तो सागर है, अकेले हम धागा है मिल जाएं तो चादर है, अकेले हम कागज है मिल जाएं तो किताब है, अकेले हम अल्फाज है मिल जाएं तो जवाब है, अकेले हम पत्थर है मिल जाए तो इमारत है, अकेले हम दुआ है मिल जाए तो इबादत है, मिल जाए तो इबादत है। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं एक बार और आवाज करूंगा, जय जिनेंद्र। रियल एस्टेट केमिकल यार्न ड्रिलिंग एंड एजुकेशन। He has been an active member of BJP since 1980. Apart from the, being a joint treasurer of Jito Apex, he is also ex-chairman Bilwada CA branch. He is ex-president Shri Mahavir Yuvak Mandal, Seva Sansan Bilwada. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक ताली बजा के पोखरा जी को इनवाइट करें। श्रद्धे महावीर जी चौधरी के बाद मुझे यह निमंत्रण दिया गया कि मैं कुछ दो शब्द आपके सामने कहूं, ऐसा मेरा विषाद नहीं। फिर भी जो फील्ड भाई साहब ने छोड़े हैं उनको मेरे स्पीच में कवर करने की कोशिश करूंगा। जीतो क्यों बना, जीतो किसके लिए बना, आप सभी जीतो के मेंबर हमें सबको ध्यान। जीतो का एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है फ्लेक्सी प्रोग्राम जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्यों है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हम सबको इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ होना है, हमारे लास्ट पंक्ति के आदमी को भी इतना सुदृढ़ बनाना है कि उज्जैन होने का गर्व महसूस कर सके। इसके लिए जीतो ने क्या किया, जीतो ने अभी अभी एक JVN एप लॉन्च किया है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कमलेश जी यहाँ बैठे हैं, किन किन मेंबर्स ने अभी तक JVN एप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया है। इंदौर में आज के मैक्सिमम बेनिफिट
बिजनेस नेटवर्क उनके उठाए। इसका छोटा सा उदाहरण दूं, जब ये ऐप लॉन्च हुआ था तो चेन्नई के एक नरेंद्र जी श्रीमान, उनको 1,00,000 बोटल्स की जरूरत होती थी अपने प्रोडक्ट के अंदर। जब उन्होंने इस ऐप में रिक्वायरमेंट भेजी, जो जब सप्लायर मिला, वो सप्लायर जो उनकी कॉस्ट थी उससे 4 से 5 रुपए पर बोटल लेस देन प्राइस में मिला। आप इमेजिन करिए, केवल एक ऐप से 57 लाख पर ईयर उस नरेंद्र जी श्रीमाल को अपने को फायदा हुआ। बेंगलोर चैप्टर ने इसी का अनुसरण करते हुए अभी तक 26 करोड़ का अपने मेंबर्स के बीच में वो नेटवर्किंग करके बिजनेस कर चुके हैं और इसका पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं। आप सभी से भी बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि इस जेबीन ऐप को लॉन्च करें। नरेश जी जैन मुंबई से, जिन्होंने इस ऐप के मार्फत अपने दिमाग में जो भी इमिनेशन रखते हैं, जो भी उनके दिमाग में कुछ नई कार्यशीलता आती है, उस कार्यशीलता को लेके, अपने उस प्रोजेक्ट को लेके उस इंक्यूबेशन सेंटर में जाएं, उस इंक्यूबेशन सेंटर में अपने प्रोजेक्ट को रखें। हमारी प्रोफेशनल टीम उस पूरी प्रोजेक्ट को पूरा करिए। अगर उसको इसमें इंटरेस्ट है, अगर दे वांट टू इन्वेस्ट, तो उनको इसकी एक JAF की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उस मेंबरशिप है 50,000 पर ईयर और 1,00,000 फॉर 3 ईयर्स। आपको उस JAF का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप जाके जो ये इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स हैं उनमें आप फंड्स रेज कर पाएंगे और फंड्स को लगा पाएंगे। तो ग्लोबल कार्ड भाई साहब ने पहले ही बता दिया, मैं अब है जो नींद नहीं आने देते हैं, तो आज से आप सपने ऐसे देखें जो नींद ना आने दें, और हम जब अगली बार आवें तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ 1500 मेंबर्स हम जीतों के एक्सेप्ट करें, तो 6,000 मेंबर कम से कम यूथ के हों और कम से कम भी 3,000 महिला साथी हमारे साथ हो। इसी के साथ धन्यवाद, आभार, जय जिनाय। जीतो इंदौर चैप्टर भी उनके अंडर आता है, वो जीतो इंदौर चैप्टर के इंचार्ज है। उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है नवकार डेवलपर्स के नाम से, और साथ ही वो रिटेल ज्वेलरी में है रुचिरा एक्सपोर्ट्स और परमार ज्वेलरी के नाम से। वो प्रेसिडेंट है आचार्य तुलसी शिक्षण संस्था उदयपुर, और ये भारत जैन महामंदिर के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये ओरिजिनली सर उदयपुर से हैं, बट अभी करंटली ही लिव्स इन बॉम्बे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ताली से एक बार उनका स्वागत करें श्री नरेश जी परमार जी। हमारे जॉइंट ट्रेजरर श्री आर एस पोखंडा साहब एवं एपेक्स डायरेक्टर और आज इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री कमलेश जी सोजतिया जी का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। तो मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने निमंत्रण दे के बुलाया, हालांकि मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं एपेक्स बोर्ड की का भी हार्दिक ज्ञापन उनका आभार करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस शानदार क्षेत्र का मुझे गार्डियन डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। और आज के इस कार्यक्रम में जीतो गौरव सम्मान में जो सम्मान पाने वाले सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार एवं ज्ञापन करता हूँ। और जीतो के बारे में मेरे पूर्व मेरे दोनों जो सीनियर बॉस है उन्होंने जो बताया, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कुछ नहीं मिलता है वो जीतो में सब मिलेगा। और आज हमारे जो प्रेसिडेंट की भी एक वाक्या बताना चाहता हूँ, वो एक बात बताते थे कि पहले लोग ये कहते थे भाई कि कहीं पे भी बच्चों बच्ची के रिश्ते के लिए जाते थे तो पहले ये देखते थे भाई कि ठिकाने का घर है कि नहीं है, पर अब वो कहते हैं और वाकई में वो बात सच में परिवर्तन होती है कि पहले पूछते हैं भाई कि इस परिवार का सदस्य कोई जीतो से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये चीज़ वाकई में उनकी बोलने पर बहुत खरी उतरती है और मैं उस चीज़ के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स, आभार। हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ क्योंकि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आपने कर्मों को छेद दिया है, आप विश्व के तत्वों के जानकार हैं, परंतु आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय जैन गौरव सम्मान आज उन्हीं गुणों का छोटा सा सम्मान है, और बहुत बड़े स्तर पर मालवा अंचल पर जीतो ने आयोजित किया। आज का यह जैन गौरव सम्मान जिस संस्था द्वारा दिया जा रहा है उसका नाम है जीतो। जीत एक जज्बा है, एक एटीट्यूड है, और जीत के पीछे छुपी होती है कई हार और कई दुख भरे क्षण। जो व्यक्ति हार के पार जाकर
सिर्फ जीत की सोचता है, अंत में वही जीतता है। सक्सेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ड्राइव एंड परसुएशन। हठ, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति जीवन में हर सफलता के प्रमुख कारक हैं। आज का यह सम्मान समारोह क्यों? क्योंकि आज आपके आज के समारोह के आयोजक जानते हैं कि अच्छे कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें अप्रिशिएट करने से समाज के अन्य बंधुओं के लिए एक बहुत प्रेरणादायक कार्य होगा। अन्य लोग भी अगर आज प्रेरणा लेकर समाजोत्थान एवं राष्ट्रोत्थान के कार्यों के लिए प्रेरित होंगे तो यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त होगा। समाज में आलोचक भी होते हैं जो सिर्फ आलोचना में ही संलग्न रहते हैं। मैं उनके लिए आज संदेश देना चाहता हूँ, नो वन हैज एवर बिल्ट स्टैचू ऑफ क्रिटिक्स। हमेशा स्टैचू जो जीते हैं, जिन्होंने कोई सम्मान गौरव प्राप्त किया है, उनका ही बनता है। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड अप्रिशिएट गुड वर्क ऑफ अदर्स। जो आयोजन कैसे किया गया बहुत ही बढ़ता जा रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है और उससे अच्छे से अच्छे लोग इस नॉमिनेशन में आ रहे हैं। इस साल का भी नॉमिनेशन में जो लोग आए बहुत ही अद्भुत था, उनसे उनको मिलना उनके बारे में जानना। इतना मुश्किल था ये कार्य, कैसे किसको सिलेक्ट किया जाए। बेस्ट जैसा भी आपने बोला, वी हैड टू सिलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ दी बेस्ट। इस इतने सब लोगों में जो इतने अच्छे प्रतिभावान थे, अंत में जूरी को कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़े कि आखिर हम किस क्राइटेरिया से लें। स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई चेस खेलता है, कोई फील्ड एक्टिविटी में। अब चेस को फील्ड एक्टिविटी से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, उनकी उपलब्धियों को कैसे किया जा सकता है। अंत में ये सोचा गया कि जिसने इंटरनेशनल फेम पर जैन समाज को ले गया हो या फिर नेशनल फेम से ले गया हो, दिस वॉज वन ऑफ द क्राइटेरिया। और फिर उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स बजाय किस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व, हम भी अपने जीवन के अच्छे एवं सुखद क्षणों को ढूंढें और उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें। चार लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं मैं। गहन सघन मनमोहक बंतरू किंतु किए जो वादे मैंने, याद मुझे वो आते हैं अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। जय जिने। मैं हमारे स्पॉन्सर कल्याण संस्कृति में हमारे स्पॉन्सर हैं रतन आयुर्वेदिक संस्थान श्री जयेशी शाह, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जूरी को भी वो स्टेज पे आए अवार्ड देने के लिए। कल्याण संस्कृति के लिए बोलते हैं कि जिस भी पास हमारे हिस्ट्री में जब भी कल्याण संस्कृति का ग्रोथ हुई है तो वही स्वर्णिम काल है। तो हम भी चाहते हैं कि कल्याण संस्कृति ग्रोथ हो और हम भी एक स्वर्णिम काल को आगे बढ़ाएं। मैं कल्याण संस्कृति का आप डिक्लेरेशन के लिए आप बोलता हूँ जयेश भाई को कि आप डिक्लेयर करें इसको। आप सुश्री अनुसार जैन, अनुषा जैन जी मात्र 18 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय लेवल पर प्रस्तुतियां दे रही हैं। वह विगत 13 वर्षों से ओडिसी नृत्य की शिक्षा ले रही हैं। अनुषा जी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दिल्ली, मुंबई, शिमला, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जयपुर आदि आदि कई जगह उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इन्होंने इंदौर के अलावा भोपाल, कटक, दूरदर्शन पर भी अपनी प्रस्तुति दी है। ये NCC की बेस्ट कैंडिडेट रही हैं। इवन डांस के अलावा इन्होंने काफ़ी प्राइज शूटिंग में, गायन, वादन, स्विमिंग, डिबेट में भी जीते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जूरी का मतलब मेंबर्स को कि अनुषा जैन जी को करें। ये अवार्ड जो है ये स्पॉन्सर किया गया है श्री रतन आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा, श्री जयेश जी शाह द्वारा। इसके अवार्ड देने के लिए मैं प्रखर जी और मनीष जी को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ।
प्लीज स्टेज पे आए आप। ये अवार्ड आईटीएल इंडस्ट्रीज द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ है। हर अवार्ड में हमने 21,000 की राशि जो जीतों ने स्पॉन्सर करी है सब लोगों को, और मैं स्पॉन्सर्स को वेलकम करता हूँ अवार्ड देने के लिए। समाज सेवा, ये अवार्ड जाता है श्री जनेश शांति जी को। श्री जनेश शांजली जी ने सोशल और रिलीजियस फील्ड में काफ़ी एक्टिविटीज़ की है। उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में। इसके साथ ही इन्होंने वृद्धजनों एवं विडोज की हेल्प भी काफ़ी फंक्शनल एंड सोशली की है। This man is available 24 hours for any social work, और उसके साथ अपना business भी बराबर करते रहता है। He is organizing a जुलूस, उसमें बीच बीच में फ़ोन भी सुनता है, मीटिंग कंडक्ट कर रहा है बीच में एक फ़ोन भी सुन लेता है। बिजनेस है इसका उस तरह का जिसमें फ़ोन आते हैं। The Education Sports Award is sponsored by SDPS Women's College. SDPS College से मैं श्री कमलेश जी सोजतिया को बोलता हूँ, और विजया जी सोजतिया, श्रीमती विजया जी सोजतिया को स्टेज पे कॉल करना चाहता हूँ। देवेश जी जैन साहब, आपको भी अवार्ड के लिए आप ऊपर आए तो अच्छा लगेगा। आप हमारे FCP मेंबर हैं और शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। शिक्षा प्रसन्न, नहीं नहीं कमले जी आपने बोल दिया, अच्छा जी मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल भी सकता हूँ। ये अवार्ड जाता है मनोरमा जैन, डॉक्टर मनोरमा। इनको वर्ष 2008 प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। शी वाज आल्सो ऑनर्ड बाय गवर्नर ऑफ एमपी स्टेट। शी हैज गॉट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। शी वाज ऑनर्ड एज इंटरनेशनल साइंटिस्ट सेमिनार बाय होम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इनके मोर देन 25 रिसर्च पेपर अलग अलग जगह प्रेजेंट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। शी इज ऑल्सो एविड राइटर, इनकी काफ़ी बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी है। इसके अलावा शी वॉज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला प्रकोष्ठ ग्वालियर, शी वॉज वाइस प्रेसिडेंट कुशल कांति महिला परिषद ग्वालियर। इन्होंने काफ़ी जगह मंच संचालन एवं कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। तो एक बार डॉक्टर मनोरमा जैन जो रिवास है उनके लिए जोरदार तालियां। एक मिनट निरंजन भाई जरा आ जाइए, आपका स्वागत करते हैं। देखिए ये अवार्ड जा रहा है श्री भरत भाई दोषी, श्री कीर्ति भाई दोषी, जिनका कि पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में नाम है आज की तारीख में, बहुत बड़े कंसल्टेंट है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा सम्मानित करता हूँ। श्रीमान कीर्ति भाई दोषी, श्री भरत भाई दोषी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे सपरिवार आए, हर्षी दोषी, लव दोषी, उनके परिवार जितने भी लोग आए कृपया सब लोग ऊपर आए।
इनका व्यापार दोषी कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है. दे हैव बीन अवार्डेड नेशनल इन नेशनल लीग फॉर एक्सीलेंस इन कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडियन फार्मा अवार्ड्स 2016, एक्सीलेंसी अवार्ड इन कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड उद्योग रत्न अवार्ड, 25th International Quality Crown Award in the Gold category in London, certificate of 25th International Quality Crown Award. They have also received many appreciation letters and they have been working with most of the biggest pharma companies in the world. Currently, they are having projects in more than 18 countries. Thank you, sir. जाता है सोचो सुश्री नित्यता जैन. सुश्री नित्यता जैन चेस खेलती है. शी अचीव 11th पोजीशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स. She defeated a 73-year-old women international master in Bangladesh. She achieved second position individually in national school chess championships. She was winner in under 14 category. Nitya Jain was also third in open senior category All India rating chess tournament. She was also captain of Madhya Pradesh team and her team achieved first position all over India. Please give a good applause to Nitya Jain. She is only 30 years old and she has a long way to go. जो इंदौर से बाहर के हैं तो कृपया वे स्टेज के पास आ जाएं. हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं. श्री महेंद्र कुमार जी मारू उज्जैन से, श्री शैलेंद्र जी श्रीमाल मक्सी शाजापुर से, श्रीमती चित्रा जैन देवास से, श्री विशाल जैन देवास, श्री अशोक कासलीवाल धार, श्रीमती हर्षा रोनवाल धार, श्री पंकज जैन धार, श्री अनिल जैन सावेर, श्री मुकेश जैन रतलाम, श्री गजराज सिंह ढाकड़ मंदसौर, श्री अमित जैन बदनावर वड़नगर, श्री अनिल brief telling about what is the meaning of Odissi dance. Odissi dance has come from Odisha and this dance that permitted in 1964. This dance has to be started through Maharis and Vedasis in the temples of Odisha near Bhubaneswar in 200 BC. Not only in this classical dance, in all the classical dances, the ghugrus are really made for a dancer because it gives style, life, rhythm and it is the inseparable part of a dance as well as a dancer. I am telling about the three namely gurus which can discover this Odissi dance and the name of the gurus are Guru Shri Kelu Charan Mahapatra, Guru Shri Dr. Devi Prasad Das and Guru Shri Pankaj Charan Das. So I am here to performing in a classical Odissi dance. The name of my item which have been represented here, that is a moksha. No. Indian philosophy expounds that all human activities stands for salvation. Here the dancer immerses herself into the vibhava and enjoys the eternal joy of Brahmanand. It is the last piece of rhythmic syllables which concludes a vibhram. The mantra is 4, Tali is Ekadali. The dance composition by Guru Shri Kelu Charan Mahapatra and the song composition by Shri Ramaharishas, and I will learn this dance performance with the help of Guru Srimati Gitanjali Acharya Ma'am from Gurgaon and Delhi. So thank you. Thank you.
टिकट्स नहीं लिए हैं प्लीज ले लें। पॉइंट नंबर टू, जब गेम स्टार्ट होने के बाद में बीच में फिर ब्रेक नहीं हो पाएगा, फूड काउंटर प्लीज बंद करें, फूड काउंटर फौरन बंद करें और टिकट्स लेके लोग जल्दी से जल्दी आए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द रूल्स रेगुलेशन। प्रोग्राम हम फास्ट करेंगे जिसमें हर एक रूम में पांच पांच गाने हैं एंड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। अगर आप टिकट को गौर से देखेंगे तो बीच में से जो लाइन है लेफ्ट पूरा हाउस और राइट की तरफ का हाउस, ठीक, और फर्स्ट फुल हाउस एंड सेकंड फुल हाउस। इसके सिवाय कई सारे और प्राइजेस रहेंगे जो बीच बीच में सरप्राइज प्राइजेस रहेंगे। जीतो हैज गिवन द ह्यूज फंड फॉर द प्राइजेस, यू हैव टू एंजॉय द प्रोग्राम। मेरी सूरत भी कुछ मालूम नहीं, तू अभी थी और मैं जवान, मेरी मेरी सूरत भी कुछ मालूम नहीं, तू अभी थी और मैं जवान, मेरी जान। आपको एंजॉय नहीं करना है और आपके दिल की बात कह रहा हूं मैं, कोई है यहाँ जो कह दे कि ये मेरे साथ सोचता नहीं हो तो वो घर भी जा पाए। शोकिया ये बात पई जो कुछ में है कहीं नहीं, ये शोकिया ये बात पई जो कुछ में है कहीं नहीं, दिलों को जो कुछ में है कहीं नहीं, मैं तेरी हो तुम्हें पा गया दो जहां, मैं तेरी हो तुम्हें पा गया दो जहां, मेरी सोच जबी कुछ मालूम नहीं, तू आई कहती और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान, मेरी सोच जबी कुछ मालूम नहीं, तू आई कहती और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। मंदिर कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर
हिंदुस्तानी मेरा झूठा है जापानी Thank you.
बांटते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जी तो इसी का नाम है, जितने भी शख्स है, कोई ऐसा मेंबर या शख्स या गेस्ट जो डिफरेंट टाइप के सॉक्स पहन कर आया, चेक योर सॉक्स एंड कम एंड कलेक्ट योर वेरी नाइस फ्रेंड्स, मिलेगा, पक्का मिलेगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉक्स, प्रमोद भैया मे बी कलर मे बी डिजाइन, प्रमोद भैया तो पास में रहते हैं, जल्दी फास्ट विद इन टू मिनट्स, टू डिफरेंट टाइप, एनीबडी बदलने इतना टाइम नहीं देंगे, चलिए उसका सेकंड अल्टरनेटिव नहीं है सॉक्स डिफरेंट, सेकंड अल्टरनेटिव शर्ट में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स, शर्ट कोट किसी में भी व्हाइट के साथ ब्लैक पहन लिया गलती से, ये देखो मिलेंगे, कोई नहीं कोई मिल जाएंगे, फास्ट पब्लिक आइए, अगर है तो आइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन मे बी इन कोट मे बी इन शर्ट, मतलब गलती से जैसे कहते हैं ना बटन टूट गया तो अभी ने दूसरा लगा दिया, नहीं ये कपली नहीं बटन 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 ये आ गए, नहीं कपली नहीं, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, चलिए प्राइस लो, नहीं नहीं ये ऊपर का नहीं चलेगा मैडम, नहीं अगर दो है तो फिर टॉस होगा, दो है तो टॉस होगा, दो होगा तो टॉस होगा, टू टू पर्सन का क्लेम एनी वे, सोना रे सोना रे सोना रे सोना
चल के तुझे में चलूं से गगन के तले जहां हम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार बने और चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले कहा अब तुम हो जवा मेरी जान है
Thank you.
भिलवाड़ा से पधारे हुए मैं नाम भूल रहा हूँ चौधरी साहब कहेंगे चौधरी साहब प्लीज प्राइज दीजिए यू आर द लकीएस्ट पर्सन सर ये डाई नहीं लगाने का फायदा उठाया थैंक यू नेक्स्ट सॉन्ग विल बी गोइंग वेरी फास्ट समय हमारे पास कम है जयेश भैया बार बार बोल रहे हैं कि डिनर की तैयारी होगी पर मेरा दावा है कि 90 गाने में मात्र एक घंटे में खत्म कर दूंगा और गाने होंगे सब हाउसेज भी आएंगे सब आएगा Some come.
अरे बड़े 20 साल पहले लिया था ये, आज एकदम बिना अनाउंस करके भैया को याद है अपन सहकल साहब सावन का रे महीना सावन का रे महीना है जैसे पवन कर सो जैसे पवन कर सो दिन राती झूमे ऐसे है जैसे पन्नमा नाते मो सावन का जे महीना जिली भैया कैसे कई वर्षन हैं जो इस एक गीत को मस्तानी Early five gone, four corners gone, and now the call for the middle room, and that was given by Mrs. Jain, and it's a right. So you please get the prize from our one of the board member of Jito, Kamlesh ji. जैसे भी आप भाई साहब मुझे नाम नहीं पता actually. परमार साहब. परमार साहब. परमार साहब. परमार साहब. Please. So middle row gone. Now we are waiting for the top row and bottom row and the full houses. Okay. मौजूद है कल बहुत बढ़िया प्रोग्राम इंदौर शहर में हुआ है दिव्यांगों के लिए जिसमें कि चिंतन भैया ने इंदौर शहर के लिए एक बहुत अनूठी मिसाल कायम करी है और काफ़ी लोड भी उन्हें लिया है थोड़ा गला उससे गड़बड़ है पर हम जानते हैं कि चिंतन भैया कैसा बढ़िया गा पाते हैं चिंतन भैया प्लीज़ आइए और हम लोगों का साथ दीजिए कम से कम जितना आप गा सके वी बी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक मैं वो झुम 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 ये प्यार का गीत सुनाना चला मंजिल पे मेरी नजर मैं
छूटो मेरा गीत हमारे कर दो होठों से छूटो तुम मेरा गीत हमारे कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी गीत हमारे कर दो क्या कहेगा
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह पल क्या हो इसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह पल क्या हो इसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह पल क्या हो इसे जाना। Thank you.
So it's right, Pakistan is gone, matlab half of the ticket is over and it has gone to Mr. Pakistan is Narendra Ji. Quiet, Mr. Bhavna. True, it is already gone. Chaliye, please. Ajit Bhaiya, aaiye. Wait, wait. Lucky question. Ek minute aur lagega. Chaliye, lucky question and it is for ladies now. A man or a lady with the highest banger in his hand. Highest. Time बहुत कम लूँगा. फौरन इधर से इधर ना पहने जल्दी आपस में. One, two. जिनने पहन रखा दौड़ क्या है लेडी. Highest banger जिनके हाथ में है. फौरन आइए. पहने हुए. हाथ में इधर उधर ना करे. Fast. इतनी देर में तो बदल लेते पड़ोसी से ले लेते 20-30. चलिए कितने हाथ में. नीले नंबर का. अरे बैंगल्स चाहिए चूड़ियाँ. हाँ चलिए नीले नीले कितनी है. आठ. एनीबडी मोर देन एट. आप भी ज़्यादा है. गिनिए जल्दी. तीन तीन छः. ये ज़्यादा है. और कोई एनीबडी लेफ्ट. चलिए प्लीज प्राइज. हाईएस्ट बैंगल्स इन दी हैंड. अरे चूड़ी नहीं है मेरा दिल है. देखो देखो टूटना चूड़ी नहीं है मेरा. ये गाना नहीं था टिकट पे. ये तो सी गाती है. चिंतन भी अपना. Rose gone, early five gone, four corners gone, and Pakistan also gone. Okay, it's correct. Shrimati Dr. Manohar Jain, Dilip your prize. Udharva. हाँ ये जीतो की तरफ से है. आइए कोई भी आदमी देश में आ रहा है. Thank you.
Thank you.
थाउजेंड्स में होंगे, लेकिन मेरे फैमिली मेरे म्यूजिशियंस के साथ में लास्ट सॉन्ग आपके लिए मैं नीचे जाके बैठ रहा हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी होगी बना कहना, कभी होगी बना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी I'm
second full house prize has gone to Mr. Amit. I think Mr. Amit. And thank you. Thank you. Thank you.